खड़गे जी को कोई हमारे देश की जनता चाहेगी? नहीं चाहेगी, किसी कीमत पे नहीं चाहेगी। कोई पीएम की कुर्सी है भाई, वैसी थोड़ी बैठा देंगे। पार्लियामेंट में पीएम चाहिए, कोई आंख मारने वाला चाहिए, ना इशारे करने वाला चाहिए। उपराष्ट्रपति जी का मिर्करी की गई है, हैं वीडियो बना रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं भी देश का नागरिक हूँ, अगर मेरे सामने ऐसे कर रहे तो मैं साफ कह देता हूँ उनसे ये गलत है। एक बात बताओ, दो बार जीतने के बाद हैट्रिक लगाने जा रहे, तो कुछ तो काबिलियत देश को, देश की जनता को दिख रही है? ये तो नहीं है कि सब जैसे कांग्रेस बोलती है, जितने भी बीजेपी को वोट दे सब राक्षस प्रजाति के, यानी कि पूरा देश राक्षस है। खड़गे जी को कोई हमारे देश की जनता चाहेगी? नहीं चाहेगी, किसी कीमत पे नहीं चाहेगी, क्योंकि सबले ही भ्रष्ट है। ममता वो भ्रष्ट है, नीतीश कुमार वो पलटू राम है, और लालू यादव चारा घोटाला। कोई है पीएम दाऊद? हाँ एक है बेरोजगार जो है राहुल गांधी, हाँ, लेकिन पीएम के दावेदार नहीं है वो। कॉमेडी शो के लिए अच्छा है वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कॉमेडी शो के कोशिश करते रहो, एक बार सफलता मिलेगी, जब ही तो जो मिलेगी ना, जब उसमें गुण हो गए। अब कोशिश करे जाओ, अब गुण है नहीं मेरे में, तो मुझे सफलता थोड़ी मिलेगी भाई। एक बात बताओ, मैं जाकर कलेक्टर की ड्यूटी को कह लोगों मैं लूंगा लूंगा, और मेरे में वो काबिलियत नहीं है, मैं कैसे बैठ जाऊंगा कलेक्टर ड्यूटी पे? तो वही पीएम की कुर्सी है भाई, वैसी थोड़ी बैठा देंगे। पार्लियामेंट में पीएम चाहिए, कोई आंख मारने वाला चाहिए, ना इशारे करने वाला चाहिए। हमें चाहिए जो आंख में आंख डाल के बात करे, हमें ऐसा पीएम नहीं चाहिए जो आंख मारता हो। आंख में आग डाल के राहुल गांधी जी की हिम्मत नहीं है, आंखें चुराते हैं वो साइड को जब बात करते हैं वो। उस दिन देखा नहीं, हमारे उपराष्ट्रपति जी का मिर्करी की गई है, हैं वीडियो बना रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं भी देश का नागरिक हूँ, अगर मेरे सामने ऐसे कर रहे तो मैं साफ कह देता हूँ उनसे ये गलत है। किसी की, किसी बुजुर्ग की, मैं कह रहा हूँ बुजुर्ग हो कोई भी हो, अपाइज हो कोई, उसकी मिर्करी नहीं बनानी चाहिए। ऊपर वाले की लाठी में देर है, अंधेर नहीं है, किस समय क्या पता बुढ़ापे में उनकी हालत भी ऐसी हो जाए, हिलते झुलते की है, अपनी ओर नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, राहुल गांधी जी वीडियो बहुत अच्छी शूट करते हैं, उनको कैमरामैन का काम मिल सकता है। हाँ जी, कैमरामैन का काम उनको बढ़िया आता है, वो मिल जाएगा। हमारे उस संवैधानिक पद है जिस पे बैठे हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ किसान समाज उनको माफ नहीं करेगा। इस महागठबंधन को जो ठगबंधन है, इसको माफ नहीं करेगा किसान समाज, क्योंकि किसान के बेटे है वो। उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी वो किसान के बेटे हैं, मैं कह रहा हूँ किसान इनको कभी माफ नहीं करेगा। 2024 में क्या मोदी का ये जादू चल पाएगा? मोदी जी की जादू भी चलेगा और गारंटी भी, जो वो कहते हैं ना गारंटी, वो पक्की चलेगी कि मोदी जी में काबिलियत है वो। एक बात बताओ, दो बार जीतने के बाद हैट्रिक लगाने जा रहे, तो कुछ तो काबिलियत देश को, देश की जनता को दिख रही है? ये तो नहीं है कि सब जैसे कांग्रेस बोलती है, जितने भी बीजेपी को वोट दे सब राक्षस प्रजाति के, यानी कि पूरा देश राक्षस है। नहीं, देश को दिख रहा है, जनसंख्या जो हमारे देश की क्या बोलते हैं युवा पीढ़ी है, उनको सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। जितने भी हमारे, मैं कह रहा हूँ मेरे पूर्वज जो है, जो मेरे पापा है, मेरे दादा, वो हमको बताते थे बेटा पहले ऐसे होता था, आज कहते हैं बेटा सही कहते हो आप, बहुत बढ़िया हो रहा है आज। तो आज हम उनको बता रहे हैं, वो पहले हमें बताते, लेकिन आज हम बता रहे हैं उनको, पापा ऐसे नहीं, ऐसे है। लेकिन कई जनता कहती है कि जो मोदी हैं सिर्फ वो काम ऐसे करते हैं कि सिर्फ धर्म को लेके मंदिरें बना रहे हैं, सब ये चीजें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम वैसे नहीं कर रहे जनता के लिए। एक बात बताओ, धर्म के लिए राजनीति कांग्रेस ने करी 1947 में करी थी, बंटवारा किसने करा? कांग्रेस ने करा धर्म के पीछे, तो मोदी जी तो नहीं कर रहे, बता दो कहीं करो हो मोदी जी ने। लेकिन हाँ, इनको कांग्रेस वाले ने को चुल है कि कैसी जो भाईचारा बन रहा है ना हिंदू मुस्लिम को, इसको कैसी तोड़ो, बस एक नफरत फैला रहे हैं ये मुस्लिमों के खिलाफ, मुस्लिमों में हिंदू के खिलाफ एक नफरत फैला रहे कि मोदी जी तुम्हें टारगेट कर रहे, तुम्हें टारगेट कर रहे। नहीं, वो सिर्फ सबका साथ सबका विकास, मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा आप देख लेना किसी के, सबसे ज़्यादा सरकारी सुविधा का जो उपयोग किया जा रहा मुस्लिम भाई ले रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज़्यादा डाटा ठा के देख लेना, सबसे ज़्यादा आवास मिले तो मुस्लिम भाई बहनों को मिले हैं, ना कि सबसे ज़्यादा सिलेंडर अगर मिले हैं मोदी जी की, उससे सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहनों को मिले हैं। तो फिर एक बात बता, कौन राजनीति कर रहा है? मोदी जी तो नहीं कर रहे हैं, वो तो सबको दे रहे हैं, स्वास्थ्य में भी सबसे ज़्यादा मुस्लिम भाइयों को मिला, तो कौन कर रहा है? ये खुद कर रहे हैं, मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी तो सबका साथ सबका विश्वास, उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, श्रेष्ठ भारत बनाएंगे और वो बनकर रहेगा। आज उसी राम मंदिर में कह रहा को वहां जाना ही नहीं चाहिए, और जाएगा तो हम रोकेंगे, वहां अयोध्या पहुंच के हम रोकेंगे उनको वहां पे। राहुल गांधी को जाना चाहिए कि नहीं? मैं कह रहा हूं वो तो देखो जाना तो चाहिए, लेकिन इनकी आस्था नहीं है, इनको पूजा करनी नहीं आती, इनको यही नहीं पता है पूजा पलौथी मार के होती है, गोडे गाड़ के होती है, इनको यही नहीं पता है।
मंदिर में गए थे वहाँ गोटे गाड़ रखे, अरे पलौथी मार के होती है। और ब्राह्मण समाज से बताते हैं अपना आपको, ब्राह्मण सबसे ज्यादा जानता है, जो पूजनीय ब्राह्मण है सबसे ज्यादा हिंदू समाज में, लेकिन उनको यही नहीं पता है पूजा कैसे होती है। मैं कह रहा हूँ ये जाएंगे नहीं, इतना मुझे पता है, मैं अभी से कह रहा हूँ इनको निमंत्रण आया है, कोई से नहीं जाएगा, क्योंकि एक समुदाय की बुराई नहीं लेना चाहते ये, और आप जानते हो समुदायों को, उसकी बुराई नहीं लेना चाहते, और ये जाएंगे नहीं किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। इनको राम मंदिर में ना रोड़ा जितने अटकाने थे वो अटकाए, लेकिन मोदी जी ने कहा तुम रोड़े अटकाए जाओ, हम जेसीबी लेकर हटाए जाएंगे उनको, वो काम मोदी जी ने।